जेएमएम सुप्रीमो सिबु सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक की गई है और इस बैठक में समिति के सभी 9 सदस्य शामिल हैं। जनता की अलग अलग मांगों को लेकर यह बैठक में चर्चा हो रही है। समिति ने सरकार से अनुरोध ये किया है कि स्थानीय निधि की त्रुटियों को जल्द से जल्द दूर कर किया जाए और राज्य में इसे लागू कराया जाए। वहीं उच्च न्यायालय के द्वारा नियोजन नीति खारिज होने के बाद समिति ने इसमें संशोधन करने की सलाह दी है। और आपको बताएं कि इस बीच सरना धर्म कोड पर समिति ने बताया कि सरकार सरना कोड से झारखंड वासियों की भावना जुड़ी हुई है, ऐसे में जन भावनाओं का ख्याल रखना केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। आपको बता दें कि बीते साल जून महीने में समिति का गठन किया गया था। समिति गठन के एक साल बाद औपचारिक तौर पर यह बैठक बुलाई गई है, तो कई मायनों में यह बैठक बेहद ज्यादा अहम है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि झारखंड राज्य में समन्वय समिति की बैठक की दूसरी बैठक बताई जा रही है। कई अहम मुद्दे जो हैं, स्थानीयता का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में बात की गई है। पूरा करने का प्रयास करने के लिए हम लोगों ने सरकार को प्रॉमिस दिया है। सबसे पहले जो निजी क्षेत्रों में और परियोजनाओं में 75% आरक्षण का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है उसको सख्ती से लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया है सरकार से, और प्रॉमिस भी हम लोगों ने सरकार को देने का काम किया है। समन्वय समिति की जो बैठक हुई है उसमें जो निर्णय हुआ है वो बताया जा रहा है, और सलाह देने के लिए ही परामर्श देने के लिए समन्वय समिति का गठन हुआ है। अब उसमें कई मामले, सही बात है, जब देरी होती है तो उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट कराने का काम है, हमने वो काम किया है। इस पर सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही ये मसला नहीं, उसको पॉजिटिव तरीके से अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि समन्वय समिति अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जो मसले सामने आए हैं सभी सदस्यों के द्वारा, सभी दल के द्वारा, उन विषयों को पर ध्यान आकृष्ट सरकार कर कराएगी और जल्द से जल्द इस पर अविलंब सरकार ध्यान दे, उसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया है। राज्य में जमीन से संबंधित बहुत ऐसे मामले हैं, विसंगतियां हैं, जिसके चलते इसे ऑनलाइन से लेकर के अन्य में लेकर लोगों को इसका कारण क्या है कि एक तो अभिलेख का सही तरीके से अभिलेख को सही तरीके से संरक्षित करना, प्लस राजस्व के जमीन के मानव जो समस्या है उस पर कर्मियों का बहुत घोर कमी है। समन्वय समिति ने परामर्श दिया है कि राजस्व कर्मचारियों का जो कमी है उसको पूर्ति करते हुए जमीन से संबंधित मामले को अविलंब निष्पादित किया जाए। तो आपको बता दें कि समन्वय समिति की बैठक हुई है, इसमें तमाम सदस्य जो थे इस बैठक में शामिल हुए हैं और जेएमएम सुप्रीमो सिबु सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। हमारे साथ सीधा जुड़े हुए चंदन, उनका रुख करते हैं। चंदन, कई मायनों में समन्वय समिति की यह बैठक बहुत ज्यादा मायने रखती है। बताया जा रहा है कि इसमें जनता के अलग अलग मुद्दों को लेकर स्थानीय नीति में कई त्रुटियां हैं, उसको दूर करने के लिए, उसको सुधार करने को लेकर सरकार से इस बैठक में मांग की गई, क्या जानकारी? बता दूं कि जिस तरीके से ये समन्वय समिति की जो गठन किया गया था उसमें यही मुद्दा रखा गया था कि जो भी जो राजहित में जो भी काम होंगे और जो भी जनता के हित में जो भी बातें होंगी या जो भी मुद्दे होंगे उसे सरकार तक पहुंचाना या फिर सरकार का जो ध्यान है उस मुद्दे की ओर जो है आकर्षित कराना, ऐसा ही कुछ इस बार समन्वय समिति की दूसरी बैठक में हुई। क्योंकि यह दूसरी बैठक थी और इसमें सभी दल के जो कहें कि गठबंधन में जो भी शामिल हैं वो सभी दल के नेता जो इस बैठक में मौजूद थे और कहें कि तकरीबन 10 से 12 बिंदुओं पर, अहम बिंदुओं पर तकरीबन सरकार की जो ध्यान है उस 10-12 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की गई है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर कहें तो नियोजन नीति और सरना धर्म कोड, इन सब तमाम चीजों के अलावा अगर बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरे राज्य भर में एक समस्या है विस्थापितों का,
वह उसको लेकर भी एक निर्णय इस समिति में लिया गया कि अब जिलावार जो है कमिटी बनाकर जो भी विस्थापित है जिनको सरकार के द्वारा जो है लाभ नहीं मिल पाया है उन विस्थापितों को चिन्हित कर और उन पर फैसला कैसे लिया जाए और फिर और कौन कौन विस्थापित छूट गए हैं उन सभी को चिन्हित कर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि जो लाभ से जो वंचित रह गए विस्थापित उन्हें पुनः लाभ दिलाकर जो है स्थापित किया जाए। चंदन, यहाँ पर इनकी तरफ से नियोजन नीति जो खारिज होने के बाद समिति ने इसमें संशोधन करने की भी मांग की गई है, क्या कहा है समिति ने नियोजन नीति को लेकर? नियोजन नीति जो है हाईकोर्ट से जो कहें कि जो रद्द किया गया था उसे वापस लौटाया गया था उसमें त्रुटियां बताई गई थी और तो इस पर साफ तौर पे इस पर जो है सत्ता पक्ष के सभी दलों ने जो है बीजेपी पर निशाना साधा है और साफ तौर पे कहा है कि जो विपक्ष की भूमिका में इस वक्त जो बीजेपी है वो राज्य का हित नहीं चाह रही है, वहां यहाँ के बच्चों का हित नहीं चाह रही है, छात्रों का हित नहीं चाह रही है, स्थानीयों का हित नहीं चाह रही है, क्योंकि कई ऐसे मामले जो है वो नियोजन नीति को लेकर हो या फिर स्थानीयता को लेकर हो जब भी इसमें राजभवन से लेकर हाईकोर्ट में जब भी मामला जाते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से पेश लगाकर सभी मामले को फंसा देते हैं। लेकिन सोचने वाली अमिता बात यह है कि नीति और नियम निर्धारण करने वाले लोग आज बैठक कर रहे हैं लेकिन इन्हीं के बनाए हुए नीति और निर्धारण के कारण जो है आज पूरा झारखंड बंद है और इसका असर रेलवे पे भी देखने को मिला है क्योंकि 11 जून को जो ट्रायल वंदे भारत का होना था वह टालकर अब 12 जून को कर दिया गया है, यानी 10 जून और 11 जून को छात्रों के द्वारा जो बंदी बुलाई गई थी उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और यह जो है कहीं ना कहीं इस ओर संकेत है कि जिस तरीके से नियम और नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में त्रुटियां रह जा रही है उनकी ओर से जिसके कारण से सड़कों पर छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन दिख रहा है। दूसरा सवाल अभी उठता है अमिता कि क्या जिस तरीके से जो नवंबर में जो बैठक हुई थी समन्वय समिति की उसके बाद आज बैठक हो रही है, तकरीबन कहें कि 6 से 7 महीने बीत जाते हैं और कई जो नीतियां हैं वो बने हुए कुछ महीने भी बीत गए हैं, वो भी तब चंदन, वो भी तब जब नियोजन नीति की मांग को लेकर लगातार पूरे झारखंड में बवाल मचा हुआ है, छात्र संगठन है वो लगातार आंदोलन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ही ये बैठक भी रखी गई, आज ही इस समिति ने इसको लेकर बात भी उठाया, लेकिन सवाल यह है कि 1 साल पहले ही समिति का गठन हो गया था लेकिन तमाम तरह के इसको जन मुद्दों को लेकर समिति में बात करनी उठानी थी समन्वय समिति में, लेकिन उसको लेकर यह सिर्फ और एक सिर्फ एक मात्र दूसरी बैठक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, यह दूसरी बैठक है जबकि अगर देखा जाए तो राज्य में इतने सारे मुद्दे हैं उन्हें लेकर हर महीने यह बैठक की जानी थी और सरकार का ध्यान जो है मुद्दों की ओर जो है आकर्षित कराना चाहिए था तेजी से ताकि विकास राज्य का हो सके, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि तकरीबन 6 महीने 7 महीने के बाद यह बैठक होती है और इन दिनों में क्या सरकार फैसले लेने में असमर्थ है या फैसले लेने में देर कर रही है जिसके वजह से समन्वय समिति को बैठक कर सरकार को उन मुद्दों की ओर जो ध्यान आकर्षित कराना पड़ा और जिसके वजह से सरकार जो है फैसले लेने में लेट करी है। अब समन्वय समिति जिन बिंदुओं पर फैसले की है, जिन बिंदुओं पर चर्चा की है, वो बिंदु जो है सरकार के पास भेजे जाएंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजे जाएंगे और उस बिंदु पर सरकार अब क्या फैसला लेती है और सरकार कैसे आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय समिति की इतनी जो लंबी देर के बाद जो बैठक हुई उससे एक बात तो साफ होता है कि जिस तरीके किसी न किसी तरीके से सरकार जो है तमाम मुद्दों को लेकर फैसले लेने में लेट करी जिसके वजह से जो है समन्वय समिति उनका ध्यान आकर्षित करा रही है। जी तो बिल्कुल, स्थानीय नीति की त्रुटियों को जल्द से जल्द दूर करने के साथ साथ नियोजन नीति में भी संशोधन करने की सलाह समिति ने दी है। देखने वाली बात होगी कि वाकई में इन चीजों पर अमल किया जाता है सरकार के तरफ से या नहीं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका। तो लगातार नियोजन नीति को लेकर पूरे झारखंड में बवाल मचा हुआ है, तमाम छात्र संगठन जो है आज सड़कों पर है, अलग अलग झारखंड के जिलों से तस्वीरें आ रही है जहां ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आज समन्वय समिति की बैठक हुई। आपको बताएं जेएमएम सुप्रीमो सिब्बू सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इस बैठक में भी नियोजन नीति में संशोधन को लेकर सलाह दी गई है सरकार को।
कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मामले को चुनौती दी गई।